हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सवाल एक पूछा गया टैली प्राइम में मुझसे कि क्या बैचेस की डिटेल जो पहले प्रोवाइड करा दी गई है, जो एक्सेप्ट करा दिया गया है, जिसका कि बिल जो है नहीं निकला है लेकिन वो एंट्री पास हो चुकी है, तो उस बैचेस की डिटेल में क्या परिवर्तन संभव है या नहीं। तो चलिए ये समझते हैं। एक बार हम यहाँ से डिस्प्ले पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक परचेज की बिल हमारे पास पड़ी हुई है। इसको एक बार चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है और ऑल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आई बटन प्रेस कर लेते हैं प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बैचेस की डिटेल पड़ी हुई है, 1/4/21 करके ये बैचेस की डिटेल ही है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे अप्रैल 2021 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बैचेस की डिटेल पड़ी हुई है, क्या इसमें परिवर्तन संभव है? चलिए एक बार समझते हैं, एक बार जानते हैं। इसको हम एडिट मोड पे लेते हैं, ठीक है। इसको हम एडिट मोड पे लेते हैं, इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। बैचेस की डिटेल जो हमने दी है, क्या उसमें चेंजिंग संभव है? तो यहाँ पर आए, अब देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको क्या देना है, बैचेस नंबर देना है। तो अभी यहाँ पे न्यू नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू नंबर पे आए, यहाँ पर मैं कुछ और दे देता हूँ, लाइक ये दे देता हूँ, ठीक है। ये दे दिया हमने और यहाँ पर बाकी की चीजें हमें यहाँ पे सेम रखनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज कर देता हूँ। क्वांटिटी क्या करना है, क्वांटिटी भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 1 लीटर रखता हूँ, कीमत 250 रुपये रखता हूँ। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट ले करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। सेम एंट्री है, सेम एंट्री है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आए और यहाँ से अल्ट पी करते हैं, एक बार प्रिंटआउट देख लेते हैं, प्रिंटआउट देख लेते हैं इसका। तो ये आ गए, प्रीव्यू किया इसको हमने। अब इसका बैच नंबर देखिए क्या हो गया है। ये देखिए, ये पहले जो 1/4/2021 डेट टाइप का बैच नंबर शो कर रहा था, अब वो हट गया, अब वो चेंज हो गया। अब इसको फिर मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करना है, वापस उसी एंट्री में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्च्यून डिफाइंड ऑयल, यहाँ पर आकर के एंटर प्रेस कीजिए। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 3, 3 ऐसे करके बैच नंबर दिया हुआ है, न्यू नंबर। यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं ये बैच नंबर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे जीएसटी वगैरह नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है। तो अब इसका प्रिंटआउट देखते हैं एक बार, यही है। बुक में गए और ये वाली एंट्री थी हमारी 8 नंबर वाली। यहां से अल्ट पी करते हैं, सेम नंबर का बिल और इसका बैच नंबर मैं बार बार चेंज कर रहा हूं, देखिए। ये देखिए, यहां पर बैच नंबर चेंज हो गया। तो इस तरीके से बैच नंबर आप चेंज कर सकते हैं, बैच नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहां पर बैच नंबर मैं चेंज कर पा रहा हूं, लेकिन ये चेंज कब करना है आपको? देखिए, बैच नंबर अगर कभी इनकरेक्ट हो गया या कोई गलती हो गई बैच नंबर डालने में, तब आप बैच नंबर चेंज करिएगा। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी किसी का बैच नंबर बदल दीजिएगा, ठीक है। तरीका तो है, चेंज तो कर सकते हैं, अलाउड है ये, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।